तो वेलकम बैक वंस अगेन टू द सॉल्यूशन वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो एसएससी सीजीएल और जो भी मैथमेटिक्स जिन एग्ज़ाम्स के अंदर आता है हम उनकी एक सीरीज चलाए हुए हैं, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आप भाई शेयर करिए, आप लाइक करिए, व्यूज़ तो ठीक हैं, आप थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ाइए भाई, उसको शेयर करिए आप, ठीक है। और चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिलता है तो लाइक भी करिए भाई, कमेंट करिए और क्या। चलिए देखते हैं, देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई। एक वस्तु है जिसका जो है MRP है वो इतना है, 10,927 रुपये। तो त्योहारों के मौसम के कारण एक जो है निश्चित प्रतिशत की जो है छूट की घोषणा कर दी जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे वो वस्तु 10,927 रुपये में मिल गई पर बेचता है, मतलब कि SP हुआ, और MRP भी देखिए यही अमाउंट है, यानी कि SP और MRP यहाँ पर सेम है, ठीक है। और फिर कहता है कि इस जो ट्रेड हुआ है इसके अंदर उसे 11.5% का जो है प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि कितने परसेंट की उसे छूट दी गई थी। क्या करें भैया, देखिए क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से शुरू करते हैं। इसमें ये इसने दिया है 11.5%, 11.5% का जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 11 को 1/2 यानी कि ये बनेगा आपका 23/200%, 23/200 एक फ्रैक्शन बना इसका। अब ये है इसका जो है प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में अगर मैं लिखूँगा ये चेंज, ये प्रॉफिट, ये बेसिक जो भी उसका जो पर्टिकुलर CP रहा होगा, तो ये हुआ 223 और ये 200, यानी कि ये हुआ CP और ये होगा उसका SP। और इसने कहा है 10,927 रुपये में ही वो MRP था और 10,927 रुपये में ही उसने बेच दिया, यानी कि SP और MRP यहाँ पर सेम है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर MRP CP और SP का रेशो निकालना चाहिए, यहाँ से देखिए CP यहाँ पर 200 है और यहाँ से रेशो है इसका 223 SP, और SP और CP इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ सेम है, तो यहाँ पर भी इसका रेशो भी क्या बनेगा 223। और छूट कहाँ निकलती है, छूट आपकी निकलेगी यहाँ से, तो क्या होगा आपका यहाँ पर 23 रुपये की छूट होगी ये 200 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, इसे आप सिंप्लीफाई करें, 2300 को जब आप 223 क्योंकि यहाँ पर जो छूट जो है MRP और SP पर निकलती है, तो यहाँ पर 223 को जब आप 2300 से डिवाइड करेंगे तो 2300 ये और 223। अब ये अगर आप काटेंगे तो 223 ये 1 पर तो दिखाई देता है कि 10 पर होगा 1, और फिर यहाँ पर चलेंगे ये 70 तो नहीं जाएंगे तो 0 पॉइंट। अब 70 है तो 700 आप ले लिए, 1 पॉइंट लगाकर 0। अब 203 600 हुआ ये और 23 3 69 और ये यानी कि 0.3, 10.3% के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर परसेंटेज छूट होगी। ध्यान रखिएगा जो प्रॉफिट है वो CP और SP के बीच में निकलता है और छूट जो है MRP और SP के बीच में निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे कहा गया है व्हाट इज द HCF ऑफ 36 and 198। अब या तो आप HCF कैलकुलेट करिए या डायरेक्ट ऑप्शन से उठाइए। ऑप्शन से कैसे उठाएंगे, अब आप 36 ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 36 को ही उठाइए पहले। 36 है क्या, 36 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, लेकिन 36 क्या 198 को डिवाइड करेगा, चेक करिए आप, 36 ये नहीं करेगा, लेकिन ये जो 18 है 18 36 को भी डिवाइड करेगा और 198 पर ये करेगा डिवाइड, तो 11, 2 और 11 के अंदर क्या अभी भी कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 18 ही इसका तो क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे कहा गया है कि टेंजेंट थीटा -14π किसके बराबर होगा। देखिए क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर, टेंजेंट थीटा -14π। एक बात बताइए, हमने फॉर्मेट अभी तक ऐसे पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जहाँ पर ये होता है कि टेंजेंट 90 - थीटा या कुछ भी जो भी एंगल देगा उसमें से -थीटा, यही करते आए हैं हम अभी तक,
तो इसमें भी कुछ परिवर्तन कर कर देखते हैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस टेन, यहाँ पर 14 पाई माइनस थीटा, और जब भी यहाँ पर ये माइनस थीटा होगा तो ये वाला माइनस जो है ये बाहर आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर, अब ये आपके पास ये टर्म बन गई है, माइनस कॉमन आपने बाहर ले लिया। अब देखिए ये पता करें आप किस क्वाड्रेंट में हैं। अब ये क्वाड्रेंट आपको पता आना चाहिए किस तरह से होगा, तो ये क्वाड्रेंट बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, तो ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट थीटा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ये वाला यहाँ देकर जाएगा तो वो एक बार और नेगेटिव, तो ये बना देगा इसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर ये बना था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, तो चेंज तो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट थीटा तो रहेगा, और जो भी यहाँ एंगल था वो टेंजेंट थीटा, मतलब कि आंसर आपका यहाँ पर रहेगा टेंजेंट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे कहा गया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा की टर्म में आपको लिखना है, मेरे सभी एंगल्स जो भी हैं उसको साइन थीटा के अंदर को कन्वर्ट करना है। देखिए करेंगे क्या भाई, इस साइन की 4 थीटा को तो हम यहीं रख देंगे क्योंकि हमें इसमें ही टर्म्स रखनी है, प्लस है कोस की पावर 4 थीटा और साइन थीटा के अंदर सारी वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाई, मैं इसको लिख दूँ अगर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 या उसका स्क्वायर, तो क्या इसकी जो भी इसका टर्म है उसके अंदर कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर फिर स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आप इसे खोल दीजिए तो क्या होगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ ये आपके पास क्या चल रहा है, यहाँ पर ये इसका पावर 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये चल रहा है साइन की पावर 4 थीटा, ये प्लस, तो ये फोर्थ फोर्थ पावर, ये भी फोर्थ पावर, तो ये तो आप जोड़ दें यहाँ पर, तो ये होगा 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, आप देख लीजिए प्लस का 1 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपको फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शन इसका और इसका, क्या कर सकते हैं भाई, मीन प्रोपोर्शन का तो सभी को पता है, जो भी ए बी ए जो टर्म्स दिए गए हैं उनका अंडर रूट आप कर दीजिए, प्रोडक्ट कर कर अंडर रूट, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं भाई 6 प्लस अंडर रूट 8, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 6 तो है यहीं पर रखिए, और इसको आप लिखेंगे इस 8 को, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2, अगर मैं इसको 4 गुना 2 लिखूँगा तो 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3 प्लस रूट 2, क्या इसमें किसी को कोई, किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए भाई क्या है, आपसे कहा गया है कि ए बी का जो है आपको निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं जो भी टर्म होगी और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो देखिए एक टर्म तो हमारे पास ये है और दूसरी टर्म इसने दी है, देखिए एक टर्म है ये प्लस रूट दो और ये पूरी एक टर्म है, और दूसरी टर्म क्या है आपके पास 3 माइनस रूट 2, इसका आपको अंडर रूट करना है। तो अब आप क्या यहाँ पर देखते हैं, इस 2 को तो यहीं रहने दें, लेकिन ये ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिखाई देता है, आप इसे रखिए एक जगह पर, तो ये क्या होगा 3 का स्केयर बनाएगा, माइनस बनाएगा 2 अंडर रूट 2 का स्केयर यानी कि 2, तो यहाँ पर ये 9 माइनस 2 7, तो 7 गुना 2 14 रूट 14 इसकी वैल्यू होगी। अभी आप यहाँ पर एक गलती मत कर देना कि ये 9 और फिर माइनस का मैं 2 लिख दूं और फिर अलग अलग से, ये गलती आप मत करना, ये आप प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपको कहा गया है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू है 41, जहाँ पर एक्स वाई जो है बड़े हैं 0 से, तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 तरीके हैं, पहला तरीका है वैल्यू पुटिंग,
आप इंस्टेंटली कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढ लें जिनका अगर मैं स्क्वेयर कर दूँ तो 41 आए, और जब मैं उनका सब्ट्रैक्शन करूँ तो 1 आए। अब इस तरह की वैल्यूज अगर आपके दिमाग में क्लिक करते हैं तो 5 और 4, 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 4 का स्क्वेयर 16 41, और इनका डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस भी 1 है, तो ये वहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई करता है इसका आंसर। और आपसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई 9 आंसर होगा अपने में। लेकिन क्या ये आपको इतने शॉर्ट टाइम में क्लिक करेगा? तो मेथड भी आप सीखिए, मेथड क्या है भाई। मेथड में आप देखिए, अगर इसने कहा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई की मुझे वैल्यू चाहिए, और मुझे दी गई है एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू है 41। देखो भाई, अब हम कर क्या सकते हैं यहाँ पर। देखें, अगर मैं इसका करूँ यहाँ पर होल स्केयर दोनों साइड, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस का 2xy = 1 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू मुझे 41 दी है, ये यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, तो 40, 40 की वैल्यू आ जाएगी 2xy, ठीक है। या फिर एक्स वाई की वैल्यू हम 40 रख लें, क्योंकि यहाँ तक किसी वाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पर भी अगर मैं एक्स स्केयर लगा दूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, दोनों तरफ स्केयर करने पर जो भी ये टर्म रही होगी, और इसका अगर मैं मतलब स्केयर करूँगा तो मैं स्केयर को ना करके इसका अंडर रूट कर दूँ, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू इसने दी है 40, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दी है 40, प्लस इसकी वैल्यू आपने यहाँ, इसकी वैल्यू इसने दी है 41, और इसकी वैल्यू आपने निकाली है 40 का अंडर रूट, यही 81 का अंडर रूट, यानी कि 9। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर आंसर 9 होगा। या वैल्यू पुटिंग जब आप कर पाए तो और भी शॉर्ट आपके लिए मेथड रहेगा ये। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आपको क्लिक करने लग जाएंगी, जुड़े रहिए बस। फिर देखिए भाई क्या है, एक हीरा है, इसके टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुपात के अनुसार वो बदलता है। अगर 6,084 रुपये उसके हीरे का, 6,084 रुपये के मूल्य के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन इस रेशो के अंदर है, काटने में होने वाली हानि आपको बतानी है। देखिए क्या है, हीरा था, काट दिया 3, 2, 1 के रेशो में, पहले उसका कुछ वैल्यू रही होगी, कीमत रही होगी, वो कैसे थी, उसके वर्ग के जो है उसका वेट है उसके वर्ग, उसके स्केयर के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज थी। कटने के बाद भी उसी फॉर्मेट में वो वैल्यूज़ हैं, और आपसे पूछा है जो इनिशियल वैल्यूज़ थी और जो कटने के बाद उस हीरे की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो वैल्यू लॉस की है, उसने डिप्रेसिएशन हुआ है, वो आपको बताना है। देखिए क्या करें, मान लो पहले अभी वैल्यू है उसकी 3, 2 और 1 वेट की वैल्यूज हैं, और ये वेट की वैल्यू कैसे हैं, ये उनका रेशो है, और वे मूल्य कैसे है, ये तो है उनका वेट में रेशो, मूल्य कैसे होगा इनके वर्ग के अनुपात, 3 का वर्ग आप 9 और 2 का 4 और 1 का 1, यानी कि ये कितना हुआ 3, 4 और 1 14, और यही जो है एक्चुअल में रहा होगा, क्योंकि ये तो वेट है, वेट तो अभी भी उतना ही रहा होगा, ये कितना हुआ 6, 6 इनिशियल में वैल्यू कितनी रही होगी, इसका भी स्क्वायर यानी कि 36, इनिशियल में उसने वैल्यू कितनी दी है हमारे को 6,084 रुपये, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है 36 रुपये की चीज़ थी, अभी 14 में रह गई तो 22 का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ 36 से और 22 के 22 यूनिट की वैल्यूज आप निकाल दें, 6 पर काटेंगे तो ये 6 और ये 10 और ये 1 और ये 4, और फिर 6 पर काटेंगे 169, 169 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो लास्ट यूनिट 18 आनी चाहिए, तो सभी में है, 2 डिजिट पर हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या भाई, नहीं यहाँ पर भी ये नहीं है तो कैलकुलेट ही कर दो भाई, 169 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 20 से करेंगे 13, 39 और ये बनेगा फिर इसका डबल, तो 38 और ये 35, 18 इसका वैल्यू रहेगा, 35, 18 अभी इसका जो है डेप्रिसिएशन हो गया। इसमें ये पूछता है कि लॉस के बाद तो आप 6,084 रुपये में से 35, 18 घटा दें तो वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, विकास ने एक निश्चित दूरी है जो बाइक पर तय की है, ठीक है भाई, यदि वह 40% दूरी है, वो 40% दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से 50% दूरी
25 किलोमीटर और शेष 10% दूरी क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो पूरी में उसका औसत चाल क्या रहेगी। अब जहां पर भी औसत की बात आती है तो आपको पता है टोटल आप डिस्टेंस निकालिए, टाइम निकालिए, एवरेज स्पीड आपको दे देगा। तो मतलब मुझे टोटल टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे भाई। अभी विकास जी हैं 40% जो है वैल्यू इन डिस्टेंस, इन्होंने 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर जो है 50% डिस्टेंस इन्होंने 25 किलोमीटर पर आवर से, और 10% बची हुई 10% को इन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है। क्यों ना मैं इसे ही मान लूँ कि यही किलोमीटर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये मुझे कटते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर और इनका सम भी 100% दिखाई देता है, तो इसी को मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर ही रहे होंगे परसेंटेज की जगह। 100 किलोमीटर मान लें अगर हम डिस्टेंस, या इनका एलसीएम अगर ऐसा नहीं होता तो आप इनका एलसीएम लेकर उसे डिस्टेंस मानते, यहाँ पर 100 ही मान लें तो ये इतना किलोमीटर हुआ। तो अब यहाँ से टाइम क्या होगा भाई, टाइम यहाँ पर इससे 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो 1 आवर लगेगा, यहाँ पर ये 2 आवर लगेंगे और ये 1 आवर, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 1, 2 और 1 यानी कि 4 आवर्स लगे। डिस्टेंस कितना हुआ, 40, 50, 90 और 100, 25 किलोमीटर पर आर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, द फ्लोइंग पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड बाय द वेरियस कैटेगरीज इन द मंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड बाय द वेरियस कैटेगरी ऑफ द टाउन, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द सप्लाई ऑफ फॉर द इंडस्ट्री। आपको बताना है जो ये पाई चार्ट दिया गया है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको उसने सप्लाई प्रोवाइड करी, घरेलू आपूर्ति की हैं, स्ट्रीट लाइट की हैं, उद्योग की हैं और अन्य। आपको बताना है इंडस्ट्री के लिए क्या एंगल बनाया होगा, इंडस्ट्री का है ये 25%। अब आप एक बात बताइए, ये डिग्री के अंदर कितना रहा होगा, 360 डिग्री, और परसेंटेज के अंदर कितना रहा होगा, 100%, यानी कि 360 डिग्री का मतलब है 100%, यही मतलब हुआ। इसने पूछा कितना है, 25% में पूछा है, 25% की डिग्री पूछी है, 25% ये रहा और डिग्री के अंदर आपको बताना है। ये यहाँ पर आप सिमेट्री लगा दिए, 1/4 है तो इसका भी 1/4, 90 डिग्री ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपसे ये एक टेबल दी गई है और पूछा गया है अगर इफ इन द ईयर 1998 देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द पॉपुलेशन ऑफ गोवा। क्या कहता है, 1998 के अंदर गोवा की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 20% का इंक्रीमेंट है, एंड इन द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस ईयर देर इज अ इंक्रीज ऑफ 10%, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, 10% का इंक्रीमेंट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 10% का इंक्रीमेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। देन वट वॉज द रेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश इन 1997। आपको पिछले साल में बताना है इन दोनों स्टेट्स की जो है पॉपुलेशन के अंदर क्या रेशो था। अभी जो है ये इंक्रीमेंट हुआ है 97 से 98 के अंदर, जो भी यहाँ रहा होगा पॉपुलेशन उसका 10-20% यहाँ इंक्रीमेंट, जो भी 1997 के अंदर जो भी पॉपुलेशन रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में उसका यहाँ 10% का इंक्रीमेंट। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या रेशो रहा होगा, तो मतलब कि यहाँ जो पॉपुलेशन रही होगी वो चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ आना है, कैसे आएंगे। अभी जो वर्तमान के अंदर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज दिखाई है इसने गोवा के अंदर है 12%, यानी कि इस 12% के अंदर और यहाँ पर इंक्रीज दिखाया है 120% का, पीछे जाना है तो 100/120 कर दो, और यहाँ पर अभी इनके इंक्रीमेंट दिखाया है 25% का, पीछे जाना है 10% से तो 110 यहाँ कर दो भाई, परसेंट से परसेंट खत्म, और ये 12 से ये 10 और यहाँ से ये और यहाँ से फिर ये 0 और ये 1 0 यहाँ से, तो यहाँ बचा 25 और ये बचा 11, यहाँ बचा 1, तो 11:25 इसका आंसर रहेगा 1997 के अंदर इनकी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया है अगर x+1/x की वैल्यू इतनी है तो आपको वहाँ क्यूब लगाना है। जब भी आप प्लस से
प्लस की फॉर्मेट से क्यूब के फॉर्मेट में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं के क्यूब माइनस थ्री को वही यहाँ पर करेंगे, तो के क्यूब जब आप करेंगे तो ये दो का क्यूब आठ, आठ तो आठ कोस क्यूब थीटा बनेगा यहाँ पर, और माइनस थ्री के भी करना है तो सिक्स माइनस का क्या होगा सिक्स कोस थीटा। अब यहाँ से हम अगर टू कॉमन ले लें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, और ये क्या किसका फॉर्मूला है, ये है भाई कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अब ये इस प्रॉपर्टी पर इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बताने की आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। जब भी ये फॉर्मेट दिखे तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का वन, माइनस का वन होगी, यहाँ रख दो आप, ये माइनस का वन, ये भी माइनस का वन देगा, ये प्लस का वन देगा, ये भी प्लस का वन, ऑप्शन नंबर बी जीरो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या, आपको कहा गया है अगर ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, ये जो है ये जो साइन है ये है सिमिलैरिटी का या कॉन्ग्रेंसी का, तो यहाँ पर क्या है एक दूसरी त्रिभुज है जी एस और टी, ठीक है, इसने क्या कहा है जो एक्स वाई है उसका रेशो इक्वल है इतना, एक्स वाई का रेशो, एक्स वाई का रेशो जी एस के रेशो के बराबर है दो रेशो तीन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये साइड इस और इसका रेशो बराबर रहेगा इस साइड के और इस साइड के, और इसका रेशो बराबर रहेगा, तो रख दो भाई। आज लेकिन आपसे पूछा क्या है इसने, यहाँ पर एक बात और बताई है इसने, एक्स वी जो है एक्स वी वाई जेड की माध्यिका है, एक्स वी वाई जेड की माध्यिका है, यानी कि ये एक्स वी वाई है, अगर ये माध्यिका है मतलब कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। फिर इसने एक बात और बताई है जो जी डी है वो भुजा एस टी के ऊपर माध्यिका है, जी डी एस टी के ऊपर माध्यिका है, यानी कि ये भी इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, ये दोनों पार्ट्स बराबर, और कन्वर्जेंसी से या सिमिलैरिटी से मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो बराबर होता है। फिर आपसे पूछा है वाई वाई और एस डी का रेशो, इसका और इसका रेशो का स्केयर आपसे पूछा है, देखिए भाई क्या कर सकते हैं, वाई जेड और जी टी बराबर होंगे, इस वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए ये माध्यिका है इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा, मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे बराबर होंगे, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ वाई जेड डिवाइड बाई टू और किसके साथ निकालना है एस डी, अब डी यहाँ है और एस यहाँ है, एस और डी, एस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ एस टी, एस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ एस टी बाई टू, तब भी इसके ऊपर कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेशो क्या होंगे बराबर, और वाई जेड बाई टू का मतलब क्या है इस वाई वी, तो वाई वी, और इस एस टी बाई टू का मतलब क्या है एस डी या डी एस, ठीक है, यानी कि ये रेशो इसके बराबर हुआ, और इसका मुझे करना है स्क्वेयर, तो चार का स्क्वेयर यहाँ पर क्या बनेगा, ये चार और ये नौ, तो ये बनेगा चार और नौ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपसे कहा गया कि मेरे पास एक्स की वैल्यू ये है और आपको अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है, नहीं अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स आपको चाहिए, और इसने दिया है एक्स प्लस एक्स की वैल्यू दी है थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, कर क्या सकते हैं, क्या इस x से मैं 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ भाई निकाल तो सकते हैं, ये होगी ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब ये तो हुआ अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स की भी वैल्यू निकाल दूँ, 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो यहाँ होगी ये छः, अब यहाँ से यहाँ पर आना है या यहाँ से हम यहाँ पर आए, दोनों तरफ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं,
तो इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूं तो क्या बनेगा, ये इसका स्क्वेयर जब आप करेंगे x प्लस वन बाई एक्स माइनस का क्या बनेगा, ये टू बनेगा क्योंकि ये काटेगा यहाँ पर टू, और मैंने स्क्वेयर किया था तो अब मैं इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, छः माइनस का चार अंडर रूट मैंने किया, ये चार का अंडर रूट करेंगे तो दो, दो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपको कहा जाए कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई, देन ए बी इज दिस, ए सी इज दिस, डी एफ इतनी है, डी इतनी है, देन द लेंथ ऑफ बी सी बतानी है। आप देखिए क्या कर सकते हैं भाई, एक जो है त्रिभुज उसकी वैल्यू इसने दी है, ये है ए बी और सी, ये सिमिलर है एफ डी और ई के, ठीक है। ए बी जो है ये है 9, ए सी जो ये इसकी वैल्यू है 11, डी एफ ये डी एफ की वैल्यू इसने दी है 16, और डी ई ये इसकी वैल्यू दी है 12, और आपसे पूछी है बी और सी, ये वैल्यू आपसे पूछी, ये सिमिलर है मतलब इसका रेशो इसके साथ बराबर होगा, तो लिख दो भाई ए बी रेशो एफ डी बराबर किसके होगा, ये आपको चाहिए तो इसको उठा लें भाई, बी सी रेशो ये वाली रेशो डी ई, अब वैल्यू पुट कर दो भाई, ए बी की वैल्यू कितनी है 9, तो 9, एफ डी की वैल्यू कितनी है 16, बी सी की हमें चाहिए, डी ई की वैल्यू 12 है, यहाँ पर ये काट दो, तीन कहाँ पर काटेंगे आप इसे, या सीधी मल्टीप्लाई कर दें, 12 और ये 4, 3 और ये 4, तो ये आपको देगा 27/4, 27/4 बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 27/4, 4 पर काटेंगे 6, 6, 3/4, 6 × 4 = 27, 6 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपको कहा गया ए और बी किसी निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर देंगे, ए बी और जो है ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में कर देंगे, तो सी अकेला कितने में बताएगा, ए बी 6 में, ए बी सी 4 में, टोटल वर्क कितना होगा 6 × 12, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी ये 2, इनकी एफिशिएंसी 3, ए बी और ये सी अलग है, यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कि सी की एफिशिएंसी होगी 1 और सी के अकेले की बतानी है तो 12 घंटे से लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया है वट विल बी द रेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑफ द कंपनी जी टू द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय द कंपनी आई, जी और आई ने कितने रेफ्रिजरेटर बनाए हैं उनका रेशो बताना है, जी ने बनाए हैं 226 और आई ने बनाए हैं 200, भाई 26 और 22, 13 11, 13 और 11 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर हम 7 की पावर 42 को 7 की पावर 42 को 48 से डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इस 7 की पावर 42, अब देखिए इस रिमाइंडर वाले में आप क्या करते हैं, इस जो डिनोमिनेटर में ऊपर वाले को इसके मल्टीपल्स के आसपास आप ले जाने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ 7 की पावर 42 है लेकिन 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 48 के आसपास है, तो कर क्या सकते हैं भाई, अगर मैं इस 7 की पावर 2 को अलग लिख दूँ, या मैं ये कहूँ कि ये 7 की पावर 2 और यहाँ लिख दूँ मैं 21 और डिवाइड में मैं कर दूँ 48, तो ये क्या बनाएगा 49 की पावर 21/48, ये रिमाइंडर देगा 1, 1 की पावर जो मर्जी करती रही, ये रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर होगा ए, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी डी बनाइए, भाई समबाहु त्रिभुज मतलब सभी साइड बराबर होंगी ए बी और सी, फिर कहा गया है कि जो है डी भुजा बी सी पर क्या है मध्य बिंदु है इसका डी, ठीक है, बी सी की लंबाई है, इस पूरी की लंबाई है 8, और आपसे पूछा गया है इस त्रिभुज की हाइट, अब देखिए समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं √3/2 और जो भी साइड होती है उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ साइड की वैल्यू है 8, तो 4 √3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसके अंदर शो किया गया है एक्सपेंडिचर बाय द 7% बाय एक पर्सन है जिसने 7 कैटेगरीज के अंदर अपना एक्सपेंडिचर किया है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल 7 आर्टिकल आर जो भी 7 तरह का ये इसने एक्सपेंडिचर किया है वो टोटल है 3600 रुपये। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द पर्टिकुलर आर्टिकल शोन इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज और परसेंट डिग्री के अंदर इसने वैल्यू दी है। अच्छा पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द आर्टिकल पी और क्यू। पी में है इसके 70 डिग्री और क्यू के ऊपर है इसका 120 डिग्री। पी प्लस क्यू का एवरेज यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 190 9 दुनिया 18 तो 95 डिग्री। 95 डिग्री रहा, आपको बताना किसके अंदर है वैल्यू, पर डिग्री इसके अंदर बतानी है 3600 रुपये में, रुपये बताने हैं अभी। डिग्री से आपको निकलना है रुपये के अंदर, वैल्यू आपको चाहिए रुपये के अंदर, डिग्री के अंदर है इनकी एवरेज वैल्यू 95। तो पूरी डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री और टोटल कॉस्ट इसने दी है 3600 रुपये यानी कि एक की वैल्यू कितनी हुई 10 तो 95 की यहाँ पर 950 रुपये उसका कॉस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ये भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 जो है वृत्त आपस में स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। देखो भाई 6 6 सेंटीमीटर के हैं त्रिज्या जिनकी और उनको आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। ठीक है, इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। धागे की आपको लंबाई बताइए। खेल क्या है भाई, खेल इसमें सिर्फ इतना है कि ये धागा बंध रहा है इनको कसकर। इस धागे की लंबाई आपको बतानी है, करेंगे क्या। देखो भाई ये सेंटर पॉइंट, ये भी इसका सेंटर पॉइंट, ये भी इसका सेंटर पॉइंट, ये रेडियस है 6, इसकी भी रेडियस 6 है, इसकी भी रेडियस 6 है, ये भी रेडियस 6 है, ये भी रेडियस 6 है, ये भी रेडियस 6 है। तो अंदर क्या बनी आपको देखने को मिली, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो बनाएगी यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, एक चीज, दूसरी चीज ये देखो भाई, ये वो पॉइंट है जहाँ ये धागा इसको टच करता है इस सर्कल को, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये धागा टच करता है इस सर्कल को। तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल फिर कितना बचा 90 90 180 और ये बचा 60 240, तो ये बचा आपका एंगल 120 डिग्री। ठीक ठीक है, इसी तरह से ये और फिर ये वाला पॉइंट जो बनाएगा ये 60 डिग्री, ये 90, ये भी 90, ये 120 डिग्री। फिर इसी तरह से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये 90, ये एंगल भी बनेगा 120 डिग्री, ये 60, ये 90, ये 90, 90 90। ठीक है, अब एक बात बताओगे, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ, ये कितनी बनेगी, और ये यहाँ से ये 12 तो ये भी 12, ये 12 तो ये भी 12, ये 12 तो ये 12, तो 36 तो ये हो गई। प्लस ये अगर मुझे लेंथ मिल जाए, ये वाली, ये वाली और ये वाली, यही धागा अब निकालना रहेगा तो क्या कर, या तो मैं इन जो आर्क लेंथ है ये एक सेक्टर बन गया, त्रिज्याखंड बन गया। त्रिज्याखंड की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप क्या करते थे, पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री आप करते थे। अब यहाँ पर ये आप वैल्यूज रख दीजिए, सिर्फ इसकी थीटा की वैल्यू होगी 120 डिग्री, तो यहाँ ये आपको देकर जाएगा यहाँ पर तो 12 12, इसकी रेडियस होगी 2 पाई। या फिर आप एक ये फॉर्मेट भी आप लगा सकते हैं कि या तो आप सभी त्रिज्याखंडों की आप फिर लेंथ निकाले आप, या फिर आप एक बात समझिए, 120 डिग्री ये है, 120 डिग्री ये है, 120 डिग्री ये है, तो जो ये सेक्टर्स बनेंगे ये 120 डिग्री का, फिर ये 120 डिग्री का, और मान लो ये भी 120 डिग्री का, मान लो इस तरह से है 120 20 डिग्री के, ये 3 बनेंगे, टोटल बन गया 360 डिग्री, मतलब ये पूरा ही सर्कल बन गया। तो क्यों ना मैं सिर्फ इस पे जो
वृत्त है, सर्कल है, उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है उसका फॉर्मूला 2πr लगा दो तो मेरा काम चल जाएगा। प्लस 2πr कर देंगे, r की वैल्यू है 6, तो 12π, 12π आपका आंसर नंबर ए आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप हर एक त्रिज्याखंड सेक्टर का आप निकालें और फिर जोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि एक एक चोर है जो 12:30 बजे जो है एक बाइक को चुराता है और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन आधे घंटे बाद चोर को पता चलता है कि बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है, तो चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। ये कह रहा है कि भाई ये चोर था, ये 12:30 बजे यहाँ से 48 की स्पीड से निकला, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आधा घंटा बीत गया यानी कि 1 बज चुके हैं। अब इसको पता लगा कि भाई एक बंदा है, अब ये निकल चुका है, अब पता लग रहा है इसको कि ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल चुका है इसे पकड़ने के लिए आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस कवर की गई होगी इसके द्वारा 48 की स्पीड से आधा घंटा, तो 24 किलोमीटर ये हुआ। ये भी इस डायरेक्शन में है, चोर भी इसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितनी बची, 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर का, तो डिवाइड कर दो भाई, तो 2 घंटे और ये यहाँ पर कितने मिलेगा, 2/5 12 करेंगे तो 2 घंटे और 24 मिनट बाद ये इसको पकड़ लेगा। किसके बाद, इस 1 बजे के बाद, 1 बजे में 2 घंटे 24 मिनट जब आप पकड़ेंगे जोड़ेंगे तो 3 घंटे 3:24 पर वो पकड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर एक जो है ऋण लिया था, ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान किया था, तो कितना ऋण लिया गया था 16% पर SI पर 5 वर्ष के लिए, 16 5 80% का वैल्यू है यहाँ पर 9600 रुपये, 9600 रुपये किसकी वैल्यू है 80% की, 100% आप निकाल दो भाई, 0 से 0 12 8 96 तो 12,000 रुपये उसका रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक जो है बेलन, दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का अनुपात क्या है, 1:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 4:3। आपसे पूछा क्या है उनके वॉल्यूम का रेशो, अब बताइए भाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल दीजिए, उनका रेशो ही निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ से ये तो काट दीजिए आप, आर स्क्वायर आर सबकी अलग अलग है तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो, आर यहाँ पर है 4 × 4 × 3 तो यहाँ पर ये 1:12 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या कहा गया है कि संख्या पी जो है, ये पी है वो 150 से 15% अधिक है, 15% अधिक का मतलब हुआ 115 रही होगी, 115 और 100 यहाँ, ठीक है। फिर कहता है के जो है पी से 15% कम है, अब ये पी है और के की वैल्यू है जो पी से 15%, ये पूरा पी है तो 150 × 115/100 ये है इससे 15% कम, 15% का मतलब 85/100 रही होगी, ठीक है, पी से 15% कम है तो के कितना है, के की वैल्यू आपको बतानी है, तो यहाँ से बस आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू देखने को मिलेगी, यूनिट डिजिट से आप चलेंगे तो भी नहीं, तो यहाँ ये यह वैल्यू रहेगी आपकी, कैलकुलेट आप यहाँ पर करेंगे तो 23 और ये 150 का ये इतना 35, 150 का ये बनाएगा आपका 23/4 और ये, तो यूनिट डिजिट से 4